अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक हो गए कि जैसे कि फिट फाट हुए? तो दोस्तों, दो दिन के बाद तक ब्लॉग में दिख रहे हैं हम आपको। तो आज नई चीज़ लेकर आए कुछ आपको दिखाने के लिए। फिलहाल आपको याद होगा दोस्तों, हमारा एक मुर्गा था वाइट कलर का, जो हम लेकर आए थे आपको, हम बता रहे थे ये सामने घूम रहा है, ये बॉस का है दोस्तों। एक आँख से काना हो गया है डंडा लग के दोस्तों। ये दोस्तों आपको बताया था, जिससे भी हमने लिया था उसने लड़ाने के बाद उसको ऐसे रख दिया था, दर्द तकलीफ में था, दर्द में था, इस वजह से फिर हमने इस मुर्गे को अपन ने रेस्क्यू कर लिया और उठा लिया था दोस्तों। माशाल्लाह मुर्गा बहुत अच्छा है दोस्तों, बोस की नली, बोस की चोंच, बोस की आँखें, मुर्गा पूरा मुर्गा बोस का है दोस्तों। अभी साफ़ हो गया, पहले तो बहुत अजरा गजरा हो रहा था दोस्तों। अभी कुरीज वगैरह करवा के फिर इसको अपन अपनी मुर्गियों के साथ लगाएंगे, वाइट वाले के साथ। तो फिर आपको दोस्तों रिजल्ट भी इसका दिखाएंगे, कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा दोस्तों। आज इसकी थोड़ी तबीयत के बारे में बताते हैं कि क्या इसको देना चाहिए, इस हालत में होता मुर्गा क्या इसके साथ करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे, हमारे से जुड़े रहे आप दोस्तों। पहले तो हम जब इसको लेकर आए थे, फिर हमने पहले इसको अलग टीका दिया था वेलोसोप का, ये आप शायद देख सकते हो दोस्तों। वेलोसोप का टीका ऐसा होता है कि मुर्गे की पूरी जिस्म की जो बॉडी होती है, जितना भी दर्द तकलीफ होती है दोस्तों, सब दूर कर देता है वेलोसोप का। वेलोसोप का टीका ऐसा दोस्तों। फिर उसके बाद फिर हमने 4 दिन तक उसको ब्रूफिन गोली गुड़ के साथ दोस्तों दी। एक वेलोसोप का टीका यहाँ पड़ा हुआ, एक वहाँ पड़ा हुआ दोस्तों। वेलोसोप का टीका बहुत काम का है, आप हमें इस्तेमाल करना, देखना कैसा रिजल्ट है इसका वेलोसोप का। और अभी तो फिलहाल हम इसके लिए तर का सामान लेगा, तर होती है तर दोस्तों, एक जड़ी बूटी है, इससे मुर्गे को भाई जड़ी तर हम अभी आपको पका के भी दिखाएंगे। तर से दोस्तों ये होगा कि हम इसको पकाएंगे, पकने के बाद जिसका पानी होता है टप में, इसको मुर्गे को बिठाएंगे, इसका पानी हम मुर्गे के ऊपर डालेंगे। डालने के बाद जितनी भी थकान होगी मुर्गे की, जितना दर्द होगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तर से खाली। ये आपको जड़ी बूटी में एक बार दिखा देता हूँ, इसमें दोस्तों हर चीज़ है, नमक फिटकरी, लाल फिटकरी, पता नहीं कौन कौन सी वो है। आप पंसार के पास जाके बोल दो तर का सामान दे दो हमें, वो बोले तर क्या होती है, बोलो जो जानवरों को हिलाते हैं वो वाला सामान, जड़ी बूटे को मिक्स होता है जो, वो आपको दे देगा। तकरीबन 40 रुपये की दोस्तों थैली पड़ी है मुझे, ये इंशाल्लाह आपको मैं करके दिखाऊंगा, ये आपको समझ में आएगा तो आप करना। वो चिल्लाता तू तो, अगर आपको समझ में आता तो करना, नहीं आता तो नहीं करना। दोस्तों देखो माशाल्लाह से कितना एक्टिव हो गया मुर्गा, पहले दोस्तों सुनता हूँ मुर्गा, ये इसके कांटे वगैरह लगे हुए थे जगह जगह, इस वजह से बच्चे भी हमारे एक्टिव है माशाल्लाह से। दोस्तों इनके लिए हमने टमाटर वगैरह काटे नीचे जाकर, और आपको एक चीज़ और भी दिखाएंगे दोस्तों, वो अगले ब्लॉग में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम नीचे चलते हैं, तर का सामान लेकर आते हैं, ले तर लगाते हैं उनको, ठीक है? इसको पहले हम उबालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम सामान डाल दिया हमने डिक्ची के अंदर, अभी ये पक जाएगा तो फिर आपको पका हुआ दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी डिक्ची चढ़ा दिया हमने चूल्हे के ऊपर, तकरीबन जितना भी आओगे आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर में आप जितना भी डाल सकते हो आप डाल दो। ये अभी हम डाल दिया, अभी एक घंटे बाद आके हम इसको उठा लेंगे, अब इसको पकने दिए छोड़ दो। तो हमने बना ली थी अभी, वो पक के आ गया था, ये कलर चेक करो बन चुका पूरा ये, अभी अब इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम मुर्गे को भी नहलाएंगे इस पानी से, नीम गर्म करना है उससे, इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, इससे मुर्गे की स्किन जल जाए। अभी इसको ठंडा कर लेते दोस्तों, इसके बाद फिर हम मुर्गा भी नहलाएगा आपको दिखाएगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, फ़िलहाल तो ये हम आजमा के चेक कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोस्तों। हमने 2-3 मुर्गों को लगाया ये सिस्टम, हमें बहुत अच्छी मिली है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। असल में ये फंसार के पास मुर्गे दोस्तों, आपको ऐसे पता है इस तरीके से जड़ी बूटों का कमाल, आपको पता है कैसा होता है, जड़ी बूटी है दोस्तों एक तरीके से ना, ये आप इंसान भी यूज़ कर सकते हैं और जानवर को भी यूज़ करवा सकते हैं दोस्तों। अभी हो गया गर्म, इसको भरते टप के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं
شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحن तो दोस्तों धूप में हमने इसको खड़ा कर दिया। अभी धूप आ रही है थोड़ी बहुत, ना हवा भी चल रही है फिलहाल। थोड़ा अपन आपको सुखा ले फिर इसको घुटा लेंगे दोस्तों। घुटाई के जब दोस्तों इसको लेकर आए थे ना, जब घुटाले कर रहा था इन्हें ला गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। अभी नया टोटका किसी को नहीं पता दोस्तों कि यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, भले अगर ये टोटका आपको मिल जाए। ये हमारा टोटका दोस्तों इंशाल्लाह आपको मिलेगा इससे। ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।